फैमिली ब्लॉग में। तो बस आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ दोपहर से। तो बस मैंने लंच वगैरह अपना बना लिया था और अब मेरे को क्लीनिंग करनी थी। मैंने सोफ़े वगैरह कवर वॉश किए थे तो बस मुझे उसे ही बिछाना है। सोफ़े वगैरह साफ़ करने हैं। बेडशीट मैंने सुबह वॉश की थी तो बस उसको मैंने बिछाया है अभी। थोड़ी सी बस अभी कंघी की है, नहीं तो बस पूरा दिन यूँ ही घूमती रहती, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। कभी कभी मन करता थोड़ा सा ड्रेसअप होने का। वैसे मैंने एक वीडियो शूट की थी तो बस उसके लिए मैं थोड़ा सा ड्रेसअप हुई थी, इस वजह से आपको आज थोड़ी सी ड्रेसअप दिख रही होंगी मैं। नहीं तो मैं हमेशा ऐसी घूमती रहती हूँ, ना मुझे कंघी करने की जरूरत रहती है। बस मैं सोचती हूँ बस मैं काम कर लूँ, मैं काम फ्री कर लूँ अपना और साफ सफाई अच्छे से करके कर लूँ। अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस कंघी वंगी भी मेरे को काफ़ी दिन हो जाते हैं कि वो लिपस्टिक बिंदी तो बात ही बहुत दूर की। आप मेरे ब्लॉग देखते हैं तो आप देखते होंगे कि बिल्कुल भी अच्छे से मतलब रहती नहीं हूँ, उसी तरीके से रहती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। और उसी तरीके से मुझे रहना पसंद भी है, उनको ज़्यादा मतलब मेकअप वगैरह करके रहना पसंद नहीं है। बाबू सबका वेलकम करोगे? आज बाबू की भी कैप उतर गई है क्योंकि अब होने लगी है गर्मी, है ना? आज बाबू को भी कैप नहीं पहनाई है क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। हमें गर्मी लगती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी गर्मी लगती होगी, तो बस इससे कम ही कपड़े पहनाए हैं। और चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत तो मैंने कर दी थी तो बस इसे आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको पसंद आएगा ब्लॉग। जरा पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। मैं एक लेकर आई थी नेल पॉलिश, मैं सोचा ड्रेसअप हुई हूँ तो क्यों ना आज नेल पेंट भी लगा लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया है, नेल्स ऐसे ही हैं, कभी कभी मन करता है तो बस मैं सोच रही नेल पेंट लगा लूँ। तो चलिए बस नेल पेंट लगा लेती हूँ मैं। क्या हुआ बाबू? एक तो बताए इतना परेशान करती है ना बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। कुछ भी बिंदी लगाओ तो इसको चाहिए, नेल पॉलिश लगाओ तो इसको चाहिए, लिपस्टिक लगाओ तो इसको चाहिए। तो इस वजह से ना बस मैं तो दूर ही रहती हूँ सब चीज़ों से। काफी दिन हो गया मैंने लगाई नहीं है, कभी कभी मन करता है। बट्टू हिलाओ मत, देख लो फिर पिटाई कर दूंगी। अच्छा लग रहा था मुझे, ये कलर थोड़ा सा अलग सा हटके है, नहीं तो रेड वगैरह तो हम लगाते ही रहते हैं, रेड पिंक वगैरह तो लगाते ही रहते हैं। ऑरेंज कलर वैसे भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर है, मुझे ऑरेंज कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कपड़ों में भी और कोई भी ज्वेलरी हो कुछ भी हो मुझे ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है। मेरा नोज़ पिन भी ऑरेंज ही कलर का है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऑरेंज ही कलर का मेरा है। मैं हमेशा एक ही हाथ पे लगाती हूँ नेल पेंट क्योंकि मुझे मतलब पूरे में दोनों हाथों पे लगाना मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता दोनों हाथों पे लगाना। तो बस मैं एक ही हाथ पर ही लगाऊंगी, एक ही हाथ पर लगाती हूँ मैं और पैरों पे लगाऊंगी मैं। अब देखो बिल्कुल मेरे आसपास ही खड़ी रहेगी, बिल्कुल भी हटेगी ही नहीं यहाँ से, जितने मैं नहीं हटाऊंगी ना बिल्कुल हटने नहीं वाली है। मेरे देखो बिल्कुल ही गुस्से जा रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। बेटू पीछे हट जा बेटा, हिल जाएगी ना बेकार हो जाती। कभी कभी तो लगाओ और फिर भी ढंग की ना लगे तो फिर बेकार है, इसे तो लगाओ ना। बस नेल पॉलिश सुखाने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम की सफाई करने के लिए। सफाई तो वैसे हो गई थी, झाड़ू पोछा हो गया था तो मुझे बस रजाई रखनी थी आज, क्योंकि अब रजाई ओढ़ने का नहीं है, सर्दी कम हो गई है और रजाई ओढ़े तो गर्मी लगती है। तो मैं सोच रही थी आज रख देती हूँ, अब कंबल ही ओढ़ा जाएगा। और तो इस वजह से बस मैं रजाई रख रही थी, रजाई की तय करके और बेडशीट वगैरह ठीक कर रही थी। वैसे मैंने सारी सुबह कर दी थी लेकिन बाबू चढ़ती रहती है ना तो बस मुझे ज़रा भी सलवटें होती है, बेडशीट बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बेड बिल्कुल अच्छे से रहे और बेडशीट वगैरह में बिल्कुल भी सलवट ना आए तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पूरे दिन बेड पर नहीं बैठती, बस रात को सोने के लिए ही बेड पर हम बैठते हैं। पूरे दिन ऐसे ही रखा मतलब ऐसे ही रहता है, बस बाबू चढ़ जाती है तो थोड़ा इधर उधर कर देती है बेडशीट। इस वजह से मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा और वेल मैनेज्ड ही अच्छा लगता है बेड। तो बस मैंने दोबारा से बेडशीट को बिछा दिया अच्छे से। गद्दा बहुत ज़्यादा भारी है क्योंकि इस बार मैंने एक ही गद्दा लिया है पूरे डबल बेड का, तो उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। तो बस मुझे इधर उधर करके बड़ी मुश्किल से खिसकाना पड़ता है।
देखिए, मैं इस तरीके से अपने बेड को रखती हूँ और मुझे इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने सफाई कर दी है, बेडशीट वगैरह बिछा दी, रजाई मैंने रख दी है। अब मैं आ गई थी बाहर। अब बाहर से पूरे दिन बस यही साफ सफाई, यही सब चलता रहता है और बस कुछ नहीं। अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बस अपने लिए मैंने 5 मिनट का टाइम निकाल के नेल पेंट लगाई थी, वो भी सुखाने का अच्छे से टाइम नहीं मिला मुझे। तो बस फिर वापस से काम में लग गई। सारे में फिर से बाबू ने फैला दिया था, और कोई आ जाता है मेहमान, अच्छा नहीं लगता, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो बस इस वजह से अच्छे से भी रखना पड़ता है, साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है। बस कितनी बड़ी बाबू फैला देती है, उतनी बड़ी मुझे साफ़ करना पड़ता है। ये बच्चे तो मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो बस मैं एक बार फिर से साफ़ कर रही थी और टाइम हो रहा था, हाँ 3 बज रहे थे, 3 बज रहे थे। अभी तो नीचे थे हम, नीचे फैला कर आई है बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। तो बस मैं यहीं बैठ के वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, फिर नीचे जाऊंगी। तो बस यहाँ पर एक बार सारे में एक साथ करके बेडशीट वगैरह सोफ़ा कवर सही करके टॉयज़ बाबू के समेट के, तो बस मैं नीचे आ गई थी। नीचे मैं भर रही थी पानी पीने वाला। तो देखिए, मैं एक फ़िल्टर लेकर आई थी, और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में शेयर किया था शॉपिंग हॉल वाली, तो बहुत ज़्यादा मुझे इफ़ेक्टिव लग रहा है ये फ़िल्टर। इसमें बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, बिल्कुल छन के अच्छे से। तो बस अब मैं दे रही थी बाबू को दूध, और अब मुझे क्लीन करने हैं अपने सोफ़े, और मुझे अपना ड्राइंग रूम क्लीन करना है। तो बस देखिए, मैंने सोफ़े क्लीन कर दिए थे और अब मैं पोछा लगा रही थी। बाबू गई थी घूमने के लिए, कोई आया हुआ था पड़ोस से, तो बस वो उसके साथ चली गई खेलने के लिए। तो अब तो वो 2-3 घंटे बाद ही आएगी। तो बस मैंने बेडरूम की, सॉरी, ड्राइंग रूम की सफाई मैंने कर दी थी, अच्छे से पोछा वोछा लगा दिया, कवर मैंने इस पर डाल दिए, इसके सोफ़े के कवर मैंने वॉश किए थे। और टाइम हो रहा था 5:30 बज गए थे। तो बस मैंने सफाई कर दी थी पूरी, फिर मैंने पोछा सारे में ही लगा दिया। जब देखिए कितना क्लीन लग रहा है अब मेरा ड्राइंग रूम, और कितना प्यारा लग रहा है। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मेरे चैनल पर जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेहनत ज़रूर लगती है अपने घर को क्लीन करने में, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है साफ़ घर में बैठ के और देख के, उसकी बात ही अलग होती है।